वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि कंप्यूटर फाइल क्या होती है, उसके एक्सटेंशन देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो कौन सी फाइल है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक्सटेंशन दिखते ही नहीं है कि कंप्यूटर की कोई भी फाइल हमारे सामने उसके एक्सटेंशन हमें शो नहीं होते, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो कौन सी फाइल है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे भी ये तीन फाइल हैं, लेकिन किसी भी फाइल के आगे कोई एक्सटेंशन दिया हुआ नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी फाइल है। तो बेसिकली यहाँ पे तो नहीं दिया, लेकिन किसी फोल्डर में हमें एक्सटेंशन देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ECC फोल्डर ओपन करता हूँ, अपने क्लासेस ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो क्लासेस मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे सब रिकॉर्ड करके मैं अपने पास भी सेव रखता हूँ उसकी एक कॉपी। तो अब बात करते हैं इसके एक्सटेंशन की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइप में आपको उसका एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा कि हमारी जो क्लास नंबर 1 थी इंट्रोडक्शन, वो MP4 फॉर्मेट में थी। एंड MP4 फॉर्मेट किसका होता है दोस्तों? वीडियो का। AVI किसका होता है? वीडियो का। MP4 AVI, फिर MPEG, देन WAV, ये सभी हमारे वीडियो के फॉर्मेट होते हैं दोस्त। तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट बेसिकली देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन जैसे कि डेस्कटॉप पे ये दो तीन फाइल पड़ी हैं उसमें हमें पता नहीं है कि उसका फॉर्मेट कौन सा है। तो आप बेसिकली ऐसा एक टाइप का जो हम कहते हैं कि ये फाइल ओपन करने का होता है फाइल मैनेजर, इसे आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आप अपना डेस्कटॉप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे फाइल का टाइप देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे ये पावर पॉइंट की फाइल है। आप देख सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके नीचे वर्ड डॉक्यूमेंट, देन अगेन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हमारी फाइल है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से भी पता नहीं करना है तो आप सिंपली आपकी जो फाइल है उसका प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो सपोज मेरी ये फाइल है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा एंड सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टी का। तो इस प्रॉपर्टी को मैं ओपन करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रही मेरी फाइल। टाइप ऑफ फाइल मुझे यहाँ पे क्लियर देखने के लिए मिल जाएगा जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एंड उसका एक्सटेंशन लिखा है PPTX। एंड ये ओपन किससे होगी, कौन से सॉफ्टवेयर से ये ओपन होगी? तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से ये ओपन होगी। अगर बाय चांस यहाँ पे कोई गलत सॉफ्टवेयर सिलेक्ट होता है तो ये चेंज के ऊपर क्लिक करके आप अपना नया सॉफ्टवेयर उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सही सॉफ्टवेयर है इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन कर ही लिया है तो इसकी जनरल टैब हम देख लेते हैं कि जनरल टैब में क्या क्या बताया जाता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि लोकेशन, फाइल की लोकेशन, फाइल कहाँ पे सेव है, तो नॉर्मली वो डेस्कटॉप पे फाइल हमारी सेव है। फाइल का साइज कितना है, तो 1.62 MB, जो होता है अप्रॉक्स 17,07,878 bytes। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे, फाइल के साइज के बारे में, कि ये जो साइज होता है MB KB वो क्या होता है, एंड कितने MB कितने KB होता है, कितने KB कितने bytes होता है, सब कुछ हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो नॉर्मली इसका साइज इतना है, साइज ऑन डिस्क कितनी जगह कैप्चर की है तो इतना ही है। छोटी फाइल की साइज होती है तो मोस्टली इतना ही होता है, इसमें कुछ बाइट्स का ही फर्क रहता है। तो आप देख सकते हैं कुछ बाइट्स का ही फर्क है, लेकिन MB में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बाइट्स मिलने के बाद 1 MB बनते हैं। वो जैसे कि आपको मैंने बताया वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्रिएटेड, ये फाइल कब क्रिएट हुई है, तो 15 सेप्टेम्बर, मतलब आज ही की डेट में हमने ये फाइल क्रिएट की है ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास। एंड मॉडिफाई एक्सेस, मॉडिफाई लास्ट मॉडिफाई कब की है, बस लास्ट टाइम हमने तभी ओपन की थी, उसके बाद अभी तक ओपन नहीं हुई है फाइल। तो मॉडिफाई मतलब होता है दोस्तों हमने लास्ट चेंज उसमें कब किया, तो लास्ट चेंज हमने इसी टाइम पे किया था, उसके बाद हमने चेंज नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं रीड ओनली, तो रीड ओनली का मतलब होगा कि अब इस फाइल को मैं एडिट नहीं कर सकता, मेरे को एडिट करने के लिए नॉर्मली एक एडमिन परमिशन देनी पड़ेगी तब मैं उसे एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आती है हिडन, इस फाइल को मैं हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं हाइड कर सकता हूँ। तो अभी मुझे हिडन भी नहीं करना है एंड इसमें अभी कुछ भी नहीं करना, तो सिंपली मैं इस प्रॉपर्टी बॉक्स को कर देता हूँ कैंसिल। अब इसमें ऐसा होता है दोस्तों, आपने इसमें कुछ गलती से आपसे कोई चेंज हो सकता है, सॉरी, गलती से प्रॉपर्टी बॉक्स में आपसे कोई चीज क्लिक हो रहा है जिसकी वजह से कुछ चेंज हो रहा है इसकी सेटिंग में, देन आपने ओके कर दिया तो वो सेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी आपकी फाइल के ऊपर। लेकिन अगर इसमें आप कैंसिल कर देते हैं तो आपका जो भी बाय चांस गलती से कुछ क्लिक हुआ हो तो वो आपकी फाइल में अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। इसलिए प्रॉपर्टी बॉक्स आप सिर्फ देखने के लिए खोल रहे हैं, रिव्यू के लिए खोल रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कभी आप ओके के ऊपर क्लिक मत कीजिए।
आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं या कोई सेटिंग करना चाहते हैं या फाइल हिडन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ओके करके उस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्यू के लिए आप इसे ओपन कर रहे हैं तो आप कभी इसमें ओके या अप्लाई मत कीजिए, डायरेक्ट आप इसे कैंसिल कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चला हो कि फाइल को देख के आप कैसे पहचान सकते हैं, उसका एक्सटेंशन आप कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।